तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूँ अविजय और आज हम रोस्ट करने जा रहे हैं स्कूल के उन पलों को जिसमें हमने टीचर्स की बहुत सारी चुगलियाँ की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे स्कूल्स में एक ऐसा हुआ करता था कि हर टीचर को हम लोग ने एक निक नेम दे रखा था एंड कभी टीचर्स का ओरिजिनल नाम याद ही नहीं रहता था। और स्कूल के जो से रूटीन है उसमें भी टीचर्स के शॉर्ट फॉर्म्स लिखे रहते थे। जैसे कि हम लोग की ज्योग्राफी टीचर का नाम था THK सर एंड THK सर बड़ा अजीब था। वो थोड़े थे डार्क स्किन और हेल्दी किस्म के आदमी। हम लोग ने उनका नाम THK का फुल फॉर्म बना रखा था, थाईलैंड का सांप। और इसको बोलने में जो सुकून मिलता था ना, कहीं नहीं मिलता था। तो ऐसे ही हमने अलग अलग टीचर, जैसे कंप्यूटर टीचर सर का नाम था PKD, हम लोग ने उनका नाम रीचेंज करके रख दिया पियक्कड़। और एक और कंप्यूटर के ही टीचर्स थे, उनका नाम नहीं पता था बट उनका निक नेम हम लोग ने मिकी माउस रखा था। हल्का से थोड़े नाटे थे। और तो और इतनी सारी पले हैं, उसमें से सबसे मेन जो हम लोग को सबसे ज़्यादा रूमर्स फैलाने में एकदम माहिर थे कि साइंस टीचर और मैथ्स मैम का अफेयर, भले ही कुछ ना हो फिर भी ये रूमर्स, इसके ऊपर गॉसिप करने में इतना मज़ा मानो कहीं नहीं मिलता हो। और स्कूल लाइफ में जो क्लासरूम रहता था, एक एक क्लासरूम जो एकदम चार दीवारी, एकदम छोटे से कमरे, इसमें बच्चे ठूसे जा रहे थे स्कूल वाले। मतलब एडमिशन के टाइम में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एडमिशन देना तो कोई स्कूल वालों से सीखे। और ऊपर से गर्मी के टाइम, एक तो AC नहीं, और तो और उस टाइम में अगर कोई अगर बदबू छोड़ दे तो पूरी क्लास एक दिन के लिए सस्पेंड करवा देते हैं। मतलब इतनी ख़तरनाक, और इतना छोटा सा रूम था और इतनी कंजेस्टेड फीलिंग आती थी कि अगर मैथ्स का पीरियड हो तो टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट्स का दिमाग गर्म होता था। ये नहीं कि समझा क्या रहे हैं, ये कि गर्मी इतनी क्यों लग रही है। तो बात करते हैं उन ग्रीन मैंगो स्टूडेंट्स की, जो कि दूसरों की चुगलियों करने में उनको इतना मज़ा आता था मानो उनको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता हो दूसरों की चुगलियों से। कोई बच्चा अगर क्लासरूम में क्लास के टाइम अगर रफ वर्क कर रहा है कॉपी के पीछे तो भी चुगली, अरे लॉजिक लगाओ चुगली करने का। उन बच्चों से ना टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान थे, क्योंकि एक तो वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऊपर से उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसने कुछ नहीं किया। मतलब उसका मेन क्राइम ही ये था कि उसने कुछ नहीं किया, कुछ करना था उसको क्लास में। जैसे कि हो क्लास वर्क अगर आप कॉपी में नहीं उतार रहे तो ये कुछ ना करने के लिए भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, कुछ करो तो दूर की बात। बच्चों को एक्चुअली में जिससे सेटिस्फेक्शन है ना, मूवीज़ वेब सीरीज़ ये सब देखने में नहीं, उनका बगल वाला या फिर सामने वाला या क्लास का टॉपर क्या कर रहा है उसको जानने में ज़्यादा मिलती है। और चुगलियाँ तो उनका एक तरह का पैशन बन चुके हैं, पढ़ाई से ज़्यादा वो लोग दूसरों की लाइफ में एकदम फुल दखल अंदाजी कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, कौन बाथरूम में कितनी देर, बाथरूम में कौन कितनी देर गुजार रहा है, ये कौन चुगली करता है इसकी। चुगली वाले बच्चे आखिर बनते कैसे, आखिर क्या वो क्या खा के आते हैं जो हाँ इतनी चुगलियाँ करते हैं। और इनको शर्म भी नहीं आती क्या चीज़ बोल रहे, किस टीचर के सामने बस चुगली करना। ठीक है लिमिट होती है स्टूडेंट्स की, टीचर्स की भी चुगली करते हैं। एक टीचर क्लास टीचर के सामने दूसरे टीचर की चुगली, अरे टीचर को इम्प्रेस करना है तो बढ़िया पढ़ो, बढ़िया से मार्क्स लाओ। एक टीचर के सामने दूसरे टीचर की चुगली करके ये दिखा रहे हो कि आप बेस्ट हो, ये कोई सेंस नहीं बनाता। अगर आपको भी अच्छा लगा तो